तो बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, दिल्ली में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज मीथेन? मीथेन सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है बेटा, CH4, ठीक है। तो ये किससे बनता है बेटा, एल्केन वाले फॉर्मूले से बनता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, CnH2n प्लस में 2, ये वाली बात क्लियर हो गई है। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा पहले तो हम सिंपल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। वो किस तरह से हो जाएगा बेटा, चार इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ गए और एक हाइड्रोजन आया बेटा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, एक हाइड्रोजन आया अपने इलेक्ट्रॉन लेके, एक दूसरा हाइड्रोजन आया और चौथा भी आ गया, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। आप लोग सारे बच्चे जानते ही हैं इसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बन रहा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कहा गया है कि बेटा कि ये जो कंपाउंड होते हैं उनका लो एमपी और बीपी क्यों होता है, तो लो एमपी और बीपी बेटा इस वजह से होता है क्योंकि अगर इन्हें थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, अगर ये मतलब इनको हम जो है मतलब खुले एरिया में रख देते हैं तो ये रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज वी नो दैट कि ये वाले जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास जो मूव हो सके, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटा, करंट क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो क्या नाम है जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रही है यानी बात।